दोस्तों, क्या आपको पता है कि एमआरआई स्कैन होता क्या है? और जब भी कोई इसे करवाता है तो डॉक्टर्स हमेशा शरीर से सभी मेटालिक चीजें उतरवा क्यों लेते हैं? कहीं इससे आपको कोई जान का खतरा तो नहीं? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एमआरआई टेस्ट है क्या। एमआरआई स्कैन का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंसी इमेजिंग, और ये टेस्ट करवाने में करीब 15 से लेकर 1.5 घंटे का समय लग जाता है। दरअसल ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे शरीर के अंदर तक झांक कर बीमारियों को पकड़ लेता है। इसको एक्सरे का सेकंड वर्जन भी कहा जा सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की मदद से हमारे शरीर के अंदर की इमेज को तैयार करती है। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जहाँ हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन है, उसके स्पिन करने से एक इमेज बनती है। अब आप ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा वाटर मॉलिक्यूल से बनता है। स्कैनिंग के दौरान पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनती है और हाइड्रोजन के प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर शरीर के पार्ट्स की इमेज बनाने लगते हैं। आइए आप दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर एमआरआई स्कैन करवाया क्यों जाता है। दरअसल इस स्कैन की मदद से हमारे शरीर के अंदर कोई भी इक्विपमेंट पहुंचाए बिना ही अंदर की इमेज को क्लिक कर सकते हैं। इसी स्कैन की मदद से ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो मरीज की दवाई चल रही है वो क्या उसके शरीर को फ़ायदा दे रही है या फिर नहीं। इसके अलावा मिर्गी और ट्यूमर जैसी चीज़ें भी इस स्कैन की मदद से जांच की जा सकती हैं, और या फिर किसी तकलीफ की वजह से जब सर्जरी करी जाती है तो उससे पहले एमआरआई की मदद से ही ब्रेन मैपिंग करी जाती है। अब ये जान लेते हैं कि क्या एमआरआई स्कैन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दरअसल इस स्कैन के समय आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है, और अगर आप कोई भी मेटेलिक चीज़ को उस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हो तो उस समय आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, और इसीलिए आपसे सभी मेटेलिक चीज़ें उतरवा ली जाती हैं, जैसे कि घड़ी, मोबाइल फ़ोन और आपका चश्मा। वैसे आपको बता दें कि इस स्कैन के बाद आपके शरीर पर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और वैसे क्रिटिकल केसेस में कई बार मरीजों को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है। वैसे एमआरआई स्कैन में जो मैग्नेटिक मशीन होती है, जो कान के भीतर का बैलेंसिंग इक्विपमेंट होता है, वो पेशेंट को थोड़ा उकसाने का काम करती है, जिस वजह से कई बार इस मशीन के बाहर आते ही कई पेशेंट्स को चक्कर भी आ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल एमआरआई स्कैन एक सिलेंडर जैसी मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। इसमें पेशेंट मशीन के मोटराइज्ड बेड पर लेटता है और उसे मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। स्कैन के दौरान कई बार बहुत जोर की आवाज़ें भी आती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट की होती हैं, जिस वजह से मरीजों को हेडफोन दिया जाते हैं। अब दोस्तों, आइए ये जानते हैं कि ये कब और क्यों खतरनाक होती है। वैसे तो पहले ही सब चेक कर लिया जाता है कि कहीं मरीज के पास कोई मेटेलिक चीज़ तो नहीं, इसलिए मरीज के कपड़े उतरवाकर उसे सफ़ेद या फिर ब्लू कलर का गाउन पहना दिया जाता है, क्योंकि कई बार मरीज के कपड़ों में भी कोई मेटेलिक चीज़ जैसे कि बटन्स वगैरह होते हैं। और इसके अलावा मेडिकेशन पैच को एमआरआई स्कैन रूम में ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें भी एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करोगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।